Coming to the last and most important part, mcqs. So our first MCQs is, which branch of chemistry deals हाइड्रो कार्बान्स केमिस्ट्री जी कहिड़ी ब्रांच हाइड्रो कार्बान्स सां यानी अहिड़ा एलिमेंट्स जंहिंमें कार्बन ऐं हाइड्रोजन हुजनि उन सां डील कंदी आहे उहा आहे आर्गेनिक केमिस्ट्री आर्गेनिक केमिस्ट्री उन खां पोइ आहे पहिरियों कंहिं ठाही अली सही ऑप्शन आहे बी राज़ी उनखां पोइ आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्योरेस्ट फार्म ऑफ मेटर हेठनि मां माद जी सभ खां प्योरेस्ट फार्म कहिड़ी आहे इहा पाण पढ़ी आयासीं उहा एलिमेंट त ॾिसंदासीं पाण पंहिंजो सही ऑप्शन कहिड़ो आहे ए कंपाउंड बी एलिमेंट त बी ऑप्शन पंहिंजो सही आहे उनखां पोइ आहे अ फार्मुला देट इंडिकेट्स सिम्पलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स इन अ फार्मुला इज़ एवलो फार्मूला जो को सिंपलेस्ट रेशो बुधाए भी फार्मूला जो एक्चुअल फार्मूला जो तो ओ केडो फार्मूला है उनके पाछो नायो एम्पिरिकल फार्मूला पा पड़ी आया से सही ऑप्शन असा जो बी आ है उनका पो आए नंबर 5 नंबर एमसीक्यूज आए दी नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल आर जदा तो मोल में केतरा पार्टिकल एटम या मालिक्यूल्स मौजूद हूँ ये पे पढ़ी आया बुरा तो सिक्स पॉइंट जीरो टू इन टू टेन पॉवर ट्वेंटी थ्री जो को सही ऑप्शन है वह बी उनेम्बोल ऑफ पोटेशियम इज तटेशियम की सेंबोल मैं तक बुरा सवाल पे भी अच्छी चुका भी सवाल पास पेपर्स में खैल है पॉटेशियम की है पी या पीओ एल आए या के पॉटेशियम की जैसा सैम्बल है वह के यानि डी ऑप्शन सही आए उन वुच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज छोटन में कड़ी चेंज फिजिकल चेंज आए मालिक्यूल न मालिक्यूल बॉन्डिंग से ठंडा तो केमिकल चेंज थी कंपाउंड भी बॉन्डिंग से ठंडा तो यह भी केमिकल चेंज थी मिक्सचर यस मिक्सचर है जानको वह फिजिकली होंगी केमिकली का भी जो है बॉन्डिंग ना थी इनके पा चाहिए ये फिजिकल चेंज है उन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम आर कॉल्ड एटम में नंबर जो को आए, प्रोटान आए, जो को जो, है आ, ए न्यूट्रॉन मौजूद उनके पा चाहू उनको एटामिक मास पा पढ़ी आयासटामिक नंबर है बी फॉर्मुला नंबर आए, सी ऐटामिक मास सही ऑप्शन क्यों सी उनम्प्रिकल फार्मुला ऑफ हाइड्रोजन पैरऑक्साइड इस हाँ हम पा पढ़ी आया पार सॉरी इंडिकेट सिंपलेस्ट रेशो इज एम्प्रिकल फार्मुला यानि अड़ो फार्मूला जो सिम्पलेस्ट रेशो दस एच टू टू सिलेस्ट रेशो है यानी इतनी भी बहे भी बहे पा में बहुत कैंसिल एच ओ तो डी है ये ऑप्शन सही आए उनमेंटल एक्सपेरिमेंटल मेथड जो को है जो को वक्त आम यूज वो सब का खा जो को है इन्वेंट कयो उनके कर बुदाव वो होयो जाबिर बिन हयान उन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज बेंजीन जो को ओरिजिनल फार्मूला है वो है C6H6 ए मॉलिक्यूलर फार्मूला भी जो को है उन ओरिजिनल फार्मूला के चुना यानी ओरिजिनल जो नंबर है एटम जो वो मौजूद हो जाए

कुछ कुझु भी सवाल सुवाल जेका आहिनि पंहिंजा पास पेपर्स मां वरितल आहिनि जेका एसपीएसी जे मुख़्तलिफ़ पास पेपर्स में अची चुका आहिनि त इहे नोट कंदा हलो उनखां पोइ हू डिस्कवर्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंहिं डिस्कवर कई केवंडिश कई उनखां पोइ हू असांजो जेको आहे पहिरियों चैप्टर इन लास्ट हाणे पाण पढ़ंदासीं एमसिक्यूज़ कहिड़ा एमसिक्यूज़ हिन चैप्टर मां जो को टेस्ट में ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम कॉल्ड कें एलिमेंट जो एटम में जो पा पढ़ी आया मास नंबर चाहिए मास नंबर ऑप्शन सी ऑप्शन सी करेक्ट आए उन रदर फोर्ड एटॉमिक मॉडल इन जी रदर फोर्ड कहे साल एटॉमिक मॉडल दिनों इहो असांखे ख़बर आहे त उन उणिवीह सौ यारहं में ॾिनो त ऑप्शन बी सही आहे उनखां पोइ आहे रदर फोर्ड बम्बार्डेड डेश पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉइल चए थो जेका गोल्ड फोइल हुई हुन ते रदर फोर्ड कहिड़ा पार्टिकल बम्बार्ड कराया त असांखे ख़बर आहे अल्फा पार्टिकल हुआ त ऑप्शन ए असांजो जेको आहे सही आहे उनखां पोइ आहे नील बोहर गेव हिस एटामिक मॉडल इन अर त नील बोहर कहिड़े साल में मॉडल ख़बर रदरफोर्ड खबर साल पो यानी 1913 में रिनु ऑप्शन सी सही आए उनका बाय न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय डैश इन 1932 तो न्यूट्रॉन कहै द्राप्त कियो अस खबर आ है जेम्स चैडविक कियो 1932 मे त असै ते दिसदा ऑप्शन सही आ है ऑप्शन डी सही आए उनका बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन शेल एम शेल एम मे केतरा इलेक्ट्रॉन थी सगणदा पाण ख़बर आहे पाण जो जेको फॉर्मुलो हुयो टू एन स्क्वायर हुयो उनजे मुताबिक़ अगरि पाण ॾिसूं त के एल एम शो नंबर आहे ते टे लिखंदासीं त हे थी वेंदो अरिड़हं सही ऑप्शन आहे सी उनखां पोइ हलंदासीं पाण सते नंबर पंहिंजो जेको आहे सुवाल ते उहो आहे आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटामिक नंबर प्रोटॉन्स या मास नंबर पाण पढ़ी आयासीं आइसोटोप्स खे डिफरेंट मास नंबर या न्यूट्रॉन हूंदो आहे बजाए प्रोटॉन या एटामिक नंबर जे प्रोटॉन ऐं एटामिक नंबर जेका हूंदा आहिनि आइसोटोप में सेम हूंदा आहिनि त ऑप्शन सी सही आहे मास नंबर अगरि न्यूट्रॉन हुजे हा त उहो बि सही आहे ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वॉस डिस्कवर्ड इन जीअर इलेक्ट्रॉन कहिड़े साल में डिस्कवर थियो अरड़हं सौ सतानवे में थियो ऐं जे जे थॉम्पसन कयो उन यूज़ स्क्रीन ऑफ टू एक्समाइन स्किटर्ड रेज चेहरा रदरफोर्ड अल्फा रेज के जो है जांच लाई जो स्क्रीन इस्तेमाल के छाजी ठेल हुई अल्यूमिनियम फॉयल जी हुई एल्यूमिनियम सल्फाइड जी हुई या जिंक सल्फाइड जी हुई तो वह जिंक सल्फाइड जी हुई उनका पाए उनच इज दाइटेस्ट पार्टिकल चो तो इनमें सी हल्को पार्टिकल कड़ो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन असर आल्को पार्टिकल सब का इलेक्ट्रॉन है उनको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट द प्लैंक्स कांस्टेंट यानी एच वैल्यू छ है प्लैंक्स कांस्टेंट के पान एच भी लिखा चाहिए तो एच जो वैल्यू छ है 6.63 थ्री इंटू टेन पावर माइनस या 3.66 पॉइंट सिक्स टेन पावर माइनस या 6.63 पॉइंट सिक्स टेन पावर माइनस या 6.63 पॉइंट सिक्स टेन पावर पॉजिटिव थर्टी फोर तो है ये जो सही जवाब माइनस में 34 ना के पॉजिटिव 34 उनका उन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एंगुलर मोमेंटम जो को इलेक्ट्रॉन जो है वो केत फॉर्मुलो है, है पढ़िया ऐसे इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन में 2 पाई यानी एन एच अपॉन में तो c सही आए जो को एन आ है यो शेल के जाहिर एन हैट आ टूँ कॉन्सटेंट आज एन है, 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 जो जो है ए, इन 1869

सवाल नंबर जो टेबल डिवाइडेड इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक बेस्ड ऑन जो टेबल के एस पी डी एफ में है एटॉमिक रेडियस बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सी तो इन जो सही जवाब भी बी आ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फिगुरुशन फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स आर नॉन एज ऑप्शन ऑप्शन ए आट बी लॉन्ग सी लॉन्गेस्ट डी जो जो को सही जवाब लॉन्ग उन चौथो नंबर सवाल डिक्रीज अलॉन्ग पीरियड पीरियड सा मतलब पीरियड में वेड़ी है डिक्रीज थी एयोनइजेशन एनर्जी बी इलेक्ट्रॉन इफिनिटी सी एटॉमिक रेडियस तो जो, जो को सही जवाब है रेडियस उनका सवाल नंबर पंजा एलिमेंट्स ऑफ सेवन ए ग्रुप आर नोन एज ऑप्शन साइन ए है एक्टिनाइड्स बी है हेलोजेंस सी है मेटल्स डी है नोबल गैसेस तो सत्ते ए जो ग्रुप जो मेंबर सा, में न, है उन्हें कैसा नोबल गैसेस जो नाम जिसमें हीलियम नियॉन जीनान अची ये पा जो नोबल गैसेस हैं उनका पोए छो हैीडिंग इफेक्ट अलॉन्ग दी पीरियड विल शील्डिंग इफेक्ट जो का वो पीरियड से घटबो या याद ऑप्शन आए ए, डिक्रीज बी आ इ इनक्रीज सी आ रिमेन सेम डी नॉट तो इन जो जो को सही जवाब है रिमेन सेम यानी सेम दो. उनका पो सत् नंबर जो जो क्वेश्चन सवाल एबिलिटी टू तो अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अट्रेक्ट कर एबिलिटी उनके उन चोशंस है ए आ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी आ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सी आ है आयोनाइजेशन एनर्जी इनका सही जवाब आ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उन अठो नंबर सवाल है आल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर बेश ऑप्शन साइन ए है गैसेस बी आ मेटल्स सी है नॉन मेटल्स डी है आट असा खबर भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स सब मेटल है इन तक सही जवाब आ बी उनको नव नंबर जो क्वेश्चन वह चाहे तो इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीज इज बिकॉज चेत तो, ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो जो वैल्यू वो डिक्रीज ऑप्शन ए एटॉमिक साइज इंक्रीज एटम साइज इंक्रीज थे थी बी एटॉमिक साइज डिक्रीज एटम साइज डिक्रीज थे थी सी सेम रहे थी डी नॉट इन जो सही जवाब आयो है ए एटॉमिक साइज इंक्रीज दह नंबर सवाल आए पाइन जो एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज डैश ता था ऑप्शन साइन एच टू डी आई सी एच फोर सी आई एन टू डी आई एन ए सी एल ता खबर आए डी एन ए सी एल जे काई वो आयोनिक कंपाउंड आए जे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे थी तो सही जवाब है सांजो डी उनका पाए यार नंबर सवाल अ नॉन मेटल एटम फ्रॉम फॉर्म एनाइन बाय डैश इलेक्ट्रॉन चेह तो नॉन मेटल आए, जी सोडियम थे तो वो एनाइन फॉर्म करे तो इलेक्ट्रॉन के डैश आए लूजिंग बी आए गेनिंग डी सी शेयरिंग, डी आए नॉट असा खबर आको मेटल्स होंगे बे ग्रुप ये कह इलेक्ट्रॉन के लूज करन तो ऑप्शन ए अको वो करेक्ट ऑप्शन है सवाल बॉन्ड फॉर्म्ड बाज खबर आए अड़ो बांड जो म्यूचुअल शेयरिंग के पैदा थे म्यूचुअल शेयरिंग वे बांड केवविलेंट बांड असद ए आयोनिक बां बी आव बांड सी आटालिक बांड डी आविलेंट बनो सही जवाबेंट बन तेरह नंबर है बॉन्ड फॉर्म्ड बायप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज असर आयोनिक बड़्ड चवनो ऑप्शन ए आ सही तो आयोनिक बांड सही चौदह नंबर बॉन्ड फार्मलड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगर ही आइटम इलेक्ट्रॉन आज शेयर करे तो उनमें कोई हिस्सो ना वे माना सिर्फ वो बी इलेक्ट्रॉन जो शेयर में अचे तो वो तो वह बॉन्ड कड़ो है यानि आइटम आइटम इलेक्ट्रॉन शेयर करो शेयरिंग में भी जो, जो सिर्फ वह तो वो कुछ शेयर न इनके पा चवंदा डेटिव कोवलेंट बांड या पा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड इनकेटिव बैंक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड में चवे तो ऑप्शन बी 15 नंबर सवाल है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिपल कोवलेंट हेठन मा केडो जो वो ट्रिपल कोवलेंट बांड है जो प ग्रुप में नाइट्रोजन है आ ये पने जो है ट्रिपल कोवलेंट गुरे, बांड है बाकी ऑप्शन आने जका गलत आइन